Today we will do the most difficult topic, which is the weakness of nearly many students, whether they are of science side, of commerce side, or that's all, not of art side. This is the weakness of many students, how to solve the questions of assertions and reasons. Children, although know about what is the concept, what is the chapter, they know the chapter thoroughly, but then also they fail to do the assertions and reasons. So today is the first class of assertions and reason, and I will explain you what is the meaning of assertions and what is the meaning of reasons in brief. आप इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना, जो जो मैं आपको बताऊंगी वो लिखना, और बाकी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है. देखो, assertion और reason सबसे पहली बात correlated terms होते हैं. correlated मतलब what is the meaning of correlated? एक दूसरे से रिलेटेड. इसमें अगर इफेक्ट आपका assertion पे होगा तो उसी का इफेक्ट आपका रीजन पे भी होगा, और अगर इफेक्ट आपका रीजन पे होगा तो उसी का इफेक्ट आपका assertion पे होगा. दे बोथ गोज साइड बाय साइड. ये दोनों साइड बाय साइड चलते, साइड बाय साइड बोले तो एक साथ चलती है. अगर आपका कोई चीज का, कोई काम का, कोई वो इसका assertion है तो उसका रीजन भी वही का वही ही होगा. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये आपका रीजनिंग का पार्ट होता है. और आपको पता होगा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, कोई भी एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो. जैसे मैंने जब बीएड का एंट्रेंस दिया था, जेई का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट ऑफ यूपी बीएड, तो उसमें क्या था, उसमें भी रीजनिंग आई थी. आप एमबीए करते हो, आप कैट में जाते हो तो उसमें भी रीजनिंग आते हैं. और भी आप कॉम्पिटिटिव जैसे सी टैट, यूपी टैट, कोई से भी आप टैट के एग्जाम देते हो, आप नीट का एग्जाम देते हो, सब में आपकी रीजनिंग आती है. तो ये assertions और reasons भी हमारा वन ऑफ द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कह लो, या हमारी रीजनिंग कह लो, आपका रीजनिंग का ही पार्ट होते हैं. अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, एन assertion एंड अ रीजन. ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे दो भाग होते हैं, टू हमारे पार्ट होते हैं, टू स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होता है हमारा assertion, और सेकंड स्टेटमेंट होता है हमारा इसका रीजन. कौन कौन से दो पार्ट होते हैं इनमें, इन क्वेश्चंस में हमारे, हाँ जी, assertion एंड रीजन. अब इसमें क्या हुआ, क्या होता है, जो हमारा assertion होता है वो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है. स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का क्या मतलब हुआ, कि वो बात, कोई ऐसी चीज जो एक फैक्ट हो. फैक्ट मतलब अगर मैं आपको कहूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है, ये बात एक तथ्य है, ये बात एक फैक्ट है. अगर मैं कहूँ कि जैसे 2 + 2 = 4, ये आपका फैक्ट है. डॉग बार्क्स, इट इज अ फैक्ट. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज द फैक्ट. और देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, इट इज अ फैक्ट. इतने इजी नहीं होएगा, ऑफ कोर्स बड़े टफ टफ होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा assertion होता है, जो वो हमारा सिंबलाइज करता है, इसमें assertion हमारा सिंबलाइज करता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. कोई चीज जो फैक्ट हो, जो तथ्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो आपकी चीज ना होती हो, वो हमारा assertion होता है. और रीजन क्या होता है, रीजन होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, वो उसका एक्सप्लेनेशन होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर मैं आपको कहूँ, एक मैंने आपको assertion का क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से सुनना. अगर एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, जिसे हम स्टेटमेंट वन कह दू या उसका assertion कह दू, इंडिया इज ऑन सेकेंड नंबर ऑन द पॉपुलेशन बेस्ड, या इंडिया स्टूड सेकेंड ऑन द पॉपुलेशन वाइज सर्वे इन द होल वर्ल्ड. क्या बोला मैंने, एक बार इसकी हिंदी बताना. वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आती है, पूरे वर्ल्ड में. ये एक फैक्ट है, इज दैट अ फैक्ट? इट इज अ फैक्ट. अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन अगर कर दूं स्टेटमेंट टू में, स्टेटमेंट वन तो यही है कि इंडिया स्टूड
एट द सेकेंड पोजिशन इन द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज सर्वे. अगर मैं इसका एक्सपेंशन कर दू, एक्सप्लेनेशन कर दू, तो मैं इसमें क्या कह दूंगी, स्टेटमेंट टू में जो मैं इसका रीजन दूंगी वो ये कह दूंगी, मोस्ट ऑफ द इलिटरेसी एग्जिस्ट इन इंडिया. अगर मैं कह दू मोस्ट ऑफ द इलिटरेसी एग्जिस्ट इन द इंडिया, अब मैंने सेकेंड बात में कह दिया कि इंडिया में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है इसीलिए पॉपुलेशन है. क्या जो मेरा स्टेटमेंट वन यानी असर्शन था वो उस बात की रीजन है, जो स्टेटमेंट टू है क्या वो उसका रीजन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है? अगर मैं इसके बदले में स्टेटमेंट चेंज कर दू, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट तो वही रहेगा, इंडिया स्टूड एट द सेकंड पोजीशन इन द होल वर्ल्ड ऑन पॉपुलेशन वाइज सर्वे. अगर इसके अलावा मैं कह दू, अगर सेकंड बाद में मैं रीजन में कह दू कि सपोज करो देयर आर, अगर मैं कह दू कि देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया ड्यू टू दिस रीजन, चलो मैंने सेकंड बस ये कह दिया देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया. तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट मेरा एसरेशन है कि इंडिया स्टूड एट सेकंड पोजीशन इन द होल वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन वाइज सर्वे, और स्टेटमेंट सेकंड में मैंने इसका रीजन दे दिया देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया. तो बताओ क्या जो मेरा स्टेटमेंट वन यानी एसरेशन है वो क्या स्टेटमेंट टू उसका एक्सप्लेनेशन या रीजन है या नहीं? नो, क्योंकि रिवर्स कितनी भी हो, रिवर्स से क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास ये कितने भी रिवर्स हो, वी डोंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इट. अब आप मुझे पहले ये बताओ, आपको ये सिचुएशन समझ आई, फुल सिचुएशन समझ आई, एनालाइज कर लिया सिचुएशन को? आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने सिचुएशन को एनालाइज करो. इसमें हमेशा आपके पास टू स्टेटमेंट्स होंगे, दो स्टेटमेंट्स में से जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट वन होगा आपका कुछ ना कुछ उसका एसरेशन, और स्टेटमेंट टू होगा उसका रीजन. अब आपके जो ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यू में वो होते हैं बोथ आर करेक्ट, एसरेशन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट बट एसरेशन इज रॉन्ग, बोथ आर राइट बोथ आर रॉन्ग, ये रीजन आते हैं. अब फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो मैंने आपको पहले वाले बताया था कि पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे एंड देयर आर मेनी लिटरेसी इन इंडिया, तो इसमें मैं आपको चार ऑप्शन दे रही हूँ, चूज एनी वन ऑप्शन. एसरेशन इज राइट रीजन इज रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रीजन इज राइट एसरेशन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन बोथ आर राइट या फोर्थ ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग, आप बताओ. बोथ आर राइट. अब चलो केस टू पे चलते हैं. केस टू में मैंने आपसे कहा था कि देयर आर मेनी पॉपुलेशन इन अवर कंट्री, और सेकंड ऑप्शन मैंने आपको कहा था देयर आर मेनी रिवर्स इन अवर कंट्री. आप मुझे बताओ जो सेकंड ऑप्शन है इसका क्या होगा? ऑप्शन सेम है, बोथ आर राइट बोथ आर रॉन्ग, ए इज राइट बी इज रॉन्ग, बताओ. हाँ, हमारे सॉल्व किए जाते हैं असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस. इसमें बस इतनी चीजें याद रखना, एक माइंड मैप बना लो. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड मैप? शॉर्ट फॉर्म में मानचित्र अपने दिमाग में बना लो कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, या अगर और भी मैं तुम्हें सिंपलर वे में कहूं तो इसकी हिंदी एक बार अपने दिमाग में समझ लो, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट वन होगा वो हमारा एसरेशन होगा, जो स्टेटमेंट टू होगा वो ही हमारा इसका रीजन होगा. क्लियर? चलो 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 अब हम आगे देखते हैं. यू हैव टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको ये पता लगाना होता है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. If both the statements are correct, you have to determine whether the reason supports the asserration. अगर दोनों statements सही है तो तुम्हें ये देखना होता है कि जो हमारा reason है वो हमारे asserration को support करता है या नहीं. There will be four answer choice of the possible outcomes and you have to select the one. तुम्हारे पास four options होंगे, उनमें से आपको कोई एक option को choose करना है जो आपके according सही हो, most appropriate हो या सही हो situation से related. आप बस आप मुझे बताओ इतनी बात आपको एसरेशन और रीजन की समझ आई?
एक बार इन्हें आपको कॉपी में लिखना, छोटा सा ही है ये बस, ये इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, हेडिंग डाल के व्हाट आर एसरेशंस व्हाट एंड व्हाट आर रीजंस, व्हाट आर करके आपको इसे अपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं इसके। चलो एक बार मुझे एसरेशन और रीजन बता दो क्या होते हैं, फिर हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, इधर आ जाओ। ये फर्स्ट पेज का नहीं, सेकंड पेज का हम अपना ये करते हैं क्वेश्चंस। आज के तो थोड़े जर्नल है एसरेशन और रीजन, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट कल जो मैं आपको एसरेशन एंड रीजन करवाऊंगी वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। पहला देखो, मतलब फोर्थ पे आ जाओ, जो आप फोर्थ लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला सेकंड पेज को छोड़ के थर्ड पेज पे आ जाओ। ए एसिलेशन है हमारा, बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टमक एसिडिटी। बेकिंग सोडा हमारी मदद करता है जो एसिडिटी होती है उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब क्या है और इसका रीजन है, इट इज अ पावरफुल नेचुरल क्लीनर। ये हमारा पावरफुल नेचुरल क्लीनर के तौर पे भी हेल्प करता है, ये हमारा पावरफुल नेचुरल क्लीनर भी होता है। अब धीरे धीरे मुझे आप ये बताओ कि बेकिंग सोडा क्या सच में हमारी स्टमक एसिडिटी को खत्म करने में हेल्प करता है? करता है, यस करता है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारा साइंस, वी आर नॉट अ साइंस साइड स्टूडेंट, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ जी करता है। और क्या ये हमारा बेकिंग पाउडर सोडा हमारे नेचुरल क्लीनर का भी हेल्प में या क्लींजर का भी काम करता है? करता है। अब मुझे ये बात बता दो कि पहले तो मुझे, बस मेरी बात सुनना, पहले मुझे बताओ इसमें एसिलेशन और रीजन दोनों करेक्ट है या राइट रॉन्ग है? दोनों करेक्ट है, हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, बेकिंग सोडा अगर हमारी स्टमक की कह सकते हैं एसिडिटी हेल्प करने में, रिमूव करने में है, मदद करता भी है, तो क्या वो एज ए नेचुरल क्लींसर की वजह से हेल्प करता है या उसकी मेडिकल क्वालिटी है इसलिए वो हेल्प करता है? वो बेस होता है और उसमें हमारी मेडिकल क्वालिटी होती है ना बेसिकली, तो वो इसलिए हेल्प करता है। तो पहली बात ध्यान से सुनना, इसके दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट है ना, मतलब दोनों के एक्सप्लेनेशन तो अपने अपने तौर पे करेक्ट है ना। तो पहले तो एक बात तो हो जाएगी, हमें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, हम अपने ऑप्शंस खुद डेवलप करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा बोथ आर राइट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मतलब बोथ ए एंड आर आर राइट। ए और आर मतलब है हमारा एसरेशंस और रीजन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू या आर राइट। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो रीजन है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसिलेशन की? क्योंकि नेचुरल क्लींसर में तो सभी कुछ आ जाते हैं, वी कैन नॉट कंसीडर द फैक्ट विद ओनली स्टमक एसिडिटी। हमें इसे सिर्फ स्टमक एसिडिटी से नहीं तोलना चाहिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि बोथ द स्टेटमेंट, बोथ एसरेशन एंड रीजन आर राइट, बट रीजन इज नॉट एक्यूरेट, या हम कह सकते हैं आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, प्लांट्स की हरी पत्तियां होती हैं, और ये एक एसरेशन है, फैक्ट है, फैक्ट की बात है, उसकी ग्रीन पत्तियां होती है। रीजन है इसका, प्लांट कंटेन
फाइक्रोथ्रीन द ग्रीन पिगमेंट, प्लांट जो होता है वो हमारा ग्रीन पिगमेंट, ऑफ कोर्स रॉन्ग, तो क्या ग्रीन पिगमेंट होता है हमारा, क्लोरोफिल, तो ये हमारा रीजन रॉन्ग है ना इसका। एसरेशन तो ठीक है भाई, प्लांट ग्रीन होते हैं, प्लांट की ग्रीन लीव्स होते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसके बदले में ये लिखना चाहिए था प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल ड्यू टू दिस दे हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट इन देम, बट यहाँ पे ये अजीब सा नाम लिखा हुआ फाइक्रोथ्रीन, हमारे से कोई मतलब नहीं है इस नाम का। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आप मुझे बताओ, पहले बताओ एसरेशन करेक्ट है और इसका रीजन रॉन्ग है, ये दोनों सही है दोनों गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग चल जाएगा इसका, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सी वन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एसरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, समझ गए? आज आपको है ना थोड़ी अजीब इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आज ना आपके फील्ड के, आपके क्या हमारे फील्ड के नहीं है ये कॉमर्स के, कल मैं आपको ना कॉमर्स के करवाऊंगी एसरेशन एंड रीजन, जो हमारे आते सिर्फ इकोनॉमिक्स में, बिजनेस और अकाउंट्स में तो आते नहीं, तो आपके जितने मेरे चार चैप्टर हुए ना, चारों चैप्टर से रिलेटेड एसरेशन एंड रीजन करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएंगे। फर्स्ट इज कॉपर इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी, क्या तांबा चांदी से ज्यादा महंगी होती है, ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स, गोल्ड एंड सिल्वर सबसे महंगी धातु कहलाई जाती है। और उसके बाद हमारा सेकंड है कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कॉपर हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है? ऑफ कोर्स कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हमारी गुड कंडक्टर होती है। तो इसमें हमारा एसरेशन ठीक है या रीजन ठीक है बताओ? हाँ, तो आप लिखोगे ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन चल सकता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इज अवर करेक्ट आंसर, और इसे आपको अपनी कॉपी में जरूर जरूर लिखना है। अब ये मत सोचना है साइंस साइड का तो मैं इसे क्यों लिखूं, आप इसे लिख लेना अपनी नोटबुक पे, उससे फायदा आपको ये होगा एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्मेट पता चल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ओके बच्चा, नाइन्थ वन इज असर्शन है हमारा, डायमंड इज यूज फॉर कटिंग द ग्लास, डायमंड हमारे ग्लास को कट करने के लिए यूज होता है, होता है या नहीं होता? होता है। देन रीजन है इसका द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाई, डायमंड, अब ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई होता है या नहीं होता, बताओ? होता है, मैं इसको आपको हाई बता देती हूँ, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई होता है, रीजन है इसका, इसका हाई होता है और इसके हाई होने की वजह से ये इसका हाई होता है, मतलब मैं आपको खुद ही बता देती हूँ इसके जो दोनों आंसर है वो करेक्ट है, ए इज राइट एंड आर इज राइट दोनों ठीक है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का हाई होता है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है इट इज सो हार्ड दैट इट कैन कट द ग्लास, ये इसलिए ग्लास को कट कर लेता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है तो ये ग्लास को इजिली कट कर लेता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डायमंड का हाई ही होता है। तो इसमें ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, दैट इज योर बी ऑप्शन, समझ गए? कुछ कुछ समझ आए? ओके बच्चा, चलो अब आपको ना कुछ मैं अपनी मर्जी से देती हूँ, इसके तो ठीक ही है और इतने है नहीं, मैं आपको अपनी मर्जी से कॉपी में, बच्चा डिपेंड करता है अगर आपके एमसीक्यू की फॉर्म में है तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके एमसीक्यू के अलावा क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आए तो आप लिख लेना एग्जाम में, और अभी आप मत लिखो, अभी आप डायरेक्ट आंसर आंसर लिख लेना,
और है तीन चार ही तो है इसमें, बस एक एक्सप्लेनेशन और रीजन की डेफिनेशन लिख लेना, तीन चार ही तो है, ज्यादा थोड़ा ना इसमें, बस तीन चार लिख लेना ठीक है। और कुछ कॉपी निकालो, मैं कुछ बोल रही हूँ अभी हैंड टू हैंड ही लिखो, कुछ रीजन इकोनॉमिक्स की कॉपी निकाल लो। बता देना जब निकाल ली तो। पहले मैं आपको ऑप्शंस बोल रही हूँ, वो ऑप्शंस हमेशा सबके लिए सेम रहेंगे, जो मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ ना, चार ऑप्शन बोलोगे वो सबके लिए सेम रहेंगे, पांच भी इसमें ऑप्शंस हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। पहले ए ऑप्शन लिखो आप, both a and r are correct, both a and r are correct लिख लिया। b ऑप्शन लिखो, both a and r are incorrect, एक बार r reason, okay, then c ऑप्शन लिखो, both are correct, but r is not the correct explanation of a, both are correct but r is not the correct explanation of a। और वन सेकेंड, देन इसके बाद आप लिखो, एक ये भी ऑप्शंस लिख लो, a is true but r is false, और नेक्स्ट लिख लो, a is false but r is true, कितने ऑप्शन हो गए, बस इसके ई पांच ही ऑप्शन होते हैं। चलो फर्स्ट इस सिचुएशन में आपको दे रही हूँ, मुझे इसका ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है, अपनी कॉपी में लिख भी लेना कौन सा सही है। तो फर्स्ट आप लिखो, एसरेशन लिखो, पोस्ट पैंडमिक ऑल एजुकेशन are done online, full stop, post pandemic all education are done online, ये assertion है, जब हो जाए तो बता देना। अब इसका reason लिखो, safety is must for students। अब बताओ, बस अब मुझे बताओ क्या होगा, ये उन पांचों ऑप्शन में से कोई एक बताओ। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, वेरी गुड, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दोनों ही करेक्ट है। चलो सेकंड लिखो सिचुएशन, सेकेंड में लिखो, एसोलेशन लिखो, आई साइड ऑफ मैनी चिल्ड्रन आर वीक टुडे, ये एसोलेशन है।
इसका रीजन लिखो, मोबाइल फोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मोबाइल फोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अब बताओ क्या सही क्या गलत. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. इसके आंसर भी साथ साथ लिखते जाना. ओके बाबू, थर्ड लिखो. एसरेशन लिखो. जीएपी वॉज लॉन्च्ड. जीएपी वॉज लॉन्च्ड टू सेव किसके लिए लॉन्च हुआ था बच्चा बताओ. जीएपी गंगा एक्शन प्लान. गंगा माता है ना, गंगा रिवर, उनको सेव करने के लिए. तो लिखो जीएपी वॉज लॉन्च टू सेव द रिवर गंगा. ये एसरेशन लिखो. इसका रीजन लिखो. टू सेव गर्ल चाइल्ड. टू सेव गर्ल चाइल्ड. अब बताओ क्या सही क्या गलत. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. इसके बदले में इसका एक्सेक्ट आर क्या होना चाहिए था. टू सेव गंगा या गंगा इज अ पॉल्यूटेड रिवर. राइट. इसके आंसर लिख रही हो ना साथ के साथ. ये थर्ड था ना अभी हमारा. फोर्थ लिखो. एसरेशन. फोर्थ एसरेशन लिखो. ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया. ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया. बस फिर इसका रीजन लिखो. हां जी बस. ओके बच्चा, अब रीजन लिखो. दे इंट्रोड्यूस्ड रेलवे फॉर अपलिफ्टिंग अवर सोसाइटी. फॉर अपलिफ्टिंग अवर सोसाइटी. अब बताओ क्या सही क्या गलत. A is true but R is false. Very good. चलो वैसे आप मुझे ये बताओ, जैसा आपको ये बहुत टफ लगते थे, अब आपको समझ आ गए एसरेशन और रीजंस? आप कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे कभी भी गलती तो नहीं करोगे कॉम्पिटिटिव लेवल में भी? बस ये बात है, मैंने अपने सिस्टर्स को भी करवाए थे ये. उसके मतलब साइंस के बहुत ज्यादा आते हैं ये. हमारे तो फिर इतने नहीं होते, एक आधे ही होते हैं इकोनॉमिक्स में. उनके में केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, बहुत सारे एसरेशन रीजन आते हैं. मैंने उसे भी स्टार्टिंग में ही करवा दिए थे. तो अब आप भी आगे कोई गलती मत करना, अपने कॉम्पिटिटिव लेवल में कभी मत करना. क्लास में, अकेडमिक्स में, ट्वेल्थ में तो भले ही कम आए, बट अपने कभी भी आगे फर्दर गलती मत करना. ओके बाबू, कितने हो गए हमारे? लास्ट लिख लो फिफ्थ. न्यू एक्सपेंडिचर इज डन इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग पैंडमिक फुल स्टॉप.
न्यू एक्सपेंडिचर इज डन इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक. अब इसका रीजन लिखो. टू अपलिफ्ट द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर. टू अपलिफ्ट द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर. अब बताओ क्या सही क्या गलत. क्यों बच्चा? अच्छा रुको 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 रुको. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. अपलिफ्ट टेक्नोलॉजिकल सेक्टर तो हुआ है ना. ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू. वेरी गुड. समझ गए बच्चा? सारे आ गए? अब कल कल मैं करवाऊंगी. परसों से मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाना था, मैं परसों से ही करवाऊंगी. परसों फर्स्ट है ना, 1st जुलाई, मैं तभी से ही करवाऊंगी. कल कल जो हमारा कल का दिन है, कल के दिन हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे एसरेशंस एंड रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स. चारों चैप्टर के एसरेशंस एंड रीजन मैं इकोनॉमिक्स के करवाऊंगी. और परसों हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर. किसका स्टार्ट करें, मैक्रो का माइक्रो का? सॉरी, मैक्रो का ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. हाँ ठीक है, मैक्रो का कर देंगे हम परसों. कल हम इसका करेंगे. टिल देन आप इसमें जो थोड़े बहुत है, वैसे आपके पहले एसरेशन एंड रीजन की डेफिनेशन लिखना कल तक, और जो इसके थोड़े बहुत है उनको अपने नोटबुक में लिख लेना, जो इसके एसरेशन एंड रीजन है. और जितना काम आज का अभी का उतना मुझे अभी सेंड कर दो. ओके बच्चा, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अवर इकोनॉमिक्स क्लास.